ट्रैप्स okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैप्स इसको समझो थोड़ा सा ठीक है द डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टॉप द स्केप ऑफ फोल गैसेस ये ट्रैप का बहुत बड़ा काम है फोल गैसेस की एंट्री को स्टॉप कर देता है ये हमारे घर के अंदर नहीं तो हम घर में रह नहीं पाएंगे आपको पता है अगर ट्रैप ना होते तो हम घर में सुकून से सो ना पाते ये बात समझ लो ट्रैप ही है जिसकी वजह से हमारे घर में फोल गैसेस का एंट्री नहीं हो पा रहा है

ठीक है तो ट्रैप क्या होता है ट्रैप एक डिवाइस होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए वाटर सील प्रोवाइड करने के लिए अब वाटर सील क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हम फॉर द दर्पज ऑफ रिमूविंग और स्केपिंग द दल क्वालिटीज ऑफ ए गुड ट्रैप गुड ट्रैप एक अच्छा ट्रैप के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए सिंपल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के अंदर नॉन एब्जॉर्बेंट उसका मटेरियल होना चाहिए इट शुड प्रोवाइड सफिशियंट डेप्थ ऑफ वाटर सील सेल्फ क्लीनजिंग होना चाहिए स्मूथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेस होना चाहिए इट शुड नॉट ऑब्सट्रक्टेज फ्लो एंड शुड हैव प्रोविजन ऑफ ऑफ द ठीक है दीज आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ ए गुड ट्रैप डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रैप्स की दो टाइप बहुत ज्यादा यूज होती हैं। एक नहानी ट्रैप दूसरा है गली ट्रैप और तीसरा है अकॉर्डिंग टू द शेप पी ट्रैप क्यू ट्रैप

तो ये फ्लोर लेवल है स्टार्ट में ग्रेटिंग्स लगी हुई रहती हैं और यहाँ से हमारा जो लिक्विड वेस्ट है वो पास होगा और इसका शेप इस तरीके से यहाँ से बनाया हुआ है देखो ये ऐसे होता है यहाँ पर इसको कर दे देते हैं ठीक है थीके? अब ये कर होने की वजह से इस लेवल के ऊपर वाटर हमेशा मेंटेन रहता है ये वाटर हमेशा रहेगा मतलब ये क्या करेगा एक वाटर सील मेंटेन करके रखता है जो भी एडिशनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वेस्ट यहाँ पर आता है वो क्या करता है यहाँ से एग्जिट कर जाता है और यहाँ पर ये इतना वाटर हमेशा मेंटेन है मतलब इस पोर्शन में जो भी अगर कोई गैस है तो वो गैस क्या करेगी इस यहां पर वाटर के अवेलेबल होने की वजह से वो इस साइड में एंटर नहीं हो पाती है इधर नहीं एंटर हो पाएगी मतलब यहाँ से ग्रेडिंग के जरिए से हमारा जो हाउस है वहां पर ये एंटर नहीं कर पाएगी तो ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं वाटर सील ठीक है ये वाटर सील हो गया और यहाँ से लेके

These traps are used primarily for admitting wash or waste water from floor or bathroom and kitchens. ज्यादा करके हम कहाँ पे यूज करते हैं किचन में या फिर बाथरूम में या तो फिर फ्लोर में भी हम कभी कभी प्रोवाइड कर देते हैं कि कहीं किसी फ्लोर के ऊपर कहीं किसी फ्लोर से हम वाटर को कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक ट्रैप प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं नहानी ट्रैप This trap is also provided with a cast iron grid at top to exclude coarse solid matter so as to prevent it from passing into the drain along with the wastewater and thereby cause blockages. यहाँ से कोई solid waste वगैरह enter ना कर पाए, इसलिए हम top में gratings provide कर देते हैं, ठीक है? Next type is gully trap. देखो, gully trap इस तरीके से होता है. Top में यहाँ पर भी grating लगी भी रहेगी. This is the floor level. आउटलेट एंड दिस इज द बैक इनलेट ठीक है मतलब एक इनलेट यहां से भी है और एक इनलेट यहां से भी है दो इनलेट हो रहे हैं एक साथ इसको कंबाइन कर दिया और एक कम्बाइंड आउटलेट यहाँ से जाने वाला है और एक यहां पर वाटर सील यहाँ पर मेन्टेन रहेगी तो इस टाइप ऑफ ट्रैप को हम क्या कहते हैं गली ट्रैप दिस ट्रैप दिस ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन दाइप वेस्ट फ्रॉम सिंक वेस्ट फ्रॉम सिंह बाथरूम का जो फ्लो है, जो वेस्ट है वो बैक इनलेट से एंड अनफोल वाटर फ्रॉम द स्वीपिंग ऑफ द रूम कोर्ट यार्ड्स एटसेट्रा एंटर फ्रॉम दॉप और फ्लोर लेवल से हो सकता है कि कुछ वेस्ट हो वो यहाँ से एंटर करेगा तो इन दोनों को कम्बाइन करने के लिए अगर हम कोई ट्रैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे गलित ट्रैप द वॉटर सील इज डीप अपू फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एम एम ये जो डेप्थ ऑफ वाटर सील है यहाँ से लेके यहाँ तक के ये डेप्थ ऑफ वाटर सील नियर अबाउट फिफ्टी एम एम के हम प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ये दो टाइप हो गई हमारी नहानी ट्रैप और गली ट्रैप